हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की रूस यात्रा बहुत चर्चा में रही। इस दौरे के दौरान उनकी भव्य स्वागत से लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ दोस्ती और पीएम मोदी के चेतावनी भरे संबोधन तक कई मुद्दे सुर्खियों में बने रहे। इस समिट के दौरान भारत और चीन के नेताओं की बैठक भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई है। ब्रिक्स समिट रूस के शहर कजान में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। समिट के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने सीमा पर शांति बनाए रखने को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि यह दोनों देशों के संबंधों के लिए जरूरी है। दूसरी ओर शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को स्थिर संबंध बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस बैठक के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस पर अपनी राय दी। उन्होंने इस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह पीएम मोदी के लिए एक बड़ी सफलता है। उनका मानना है कि इससे भारत में पीएम मोदी का कद बढ़ेगा और उनके समर्थक, जो पहले से ही मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं और जोर शोर से इस नारे का प्रचार करेंगे। इस मुलाकात ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि यह दो एशियाई महाशक्तियों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है और इस बैठक से उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। ब्रिक्स समिट के इस सत्र में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात एशिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह मुलाकात राजनीतिक स्थिरता और सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयासों की दिशा में एक नई उम्मीद लेकर आई है। ब्रिक्स समिट दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच है, जिसमें पांच बड़े देश शामिल हैं: भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ये मंच दुनिया की 40% आबादी और 30% वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इस ग्रुप की खास बात यह है कि इसके अंदर कई अन्य देश भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यह ग्रुपिंग अमेरिका के मुकाबले में खड़ी है, जो खुद को दुनिया का दादा मानता है। इस फोरम में चीन और रूस जैसे दो अमेरिका के मुख्य प्रतिद्वंदी पहले से मौजूद हैं और अब भारत भी इस ग्रुप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए यह फोरम अमेरिका की रणनीतिक योजना में एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इस बार पीएम मोदी ने भी ब्रिक्स में भाग लिया, जिससे दुनिया भर का ध्यान इस समिट की तरफ आकर्षित हुआ। इस समिट के जरिए भारत ने यह दिखा दिया कि वह अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। पीएम मोदी ने यह संदेश दिया कि भारत, चाहे चीन हो या रूस, सबके साथ अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए काम कर सकता है। पश्चिमी मीडिया जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी ने यह नैरेटिव बनाया कि पुतिन अब आइसोलेट, अलग थलग हो गए हैं, लेकिन ब्रिक्स समिट में ईरान, तुर्की और अन्य देशों की उपस्थिति ने इस नैरेटिव को कमजोर कर दिया। इससे यह साबित हुआ कि पुतिन अब भी अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने में सफल हैं और उनका समर्थन करने वाले देशों की संख्या कम नहीं है। ब्रिक्स की सफलता से अमेरिका में बाइडेन की आलोचना शुरू हो गई, क्योंकि यह समिट अमेरिका की दादागिरी को सीधी चुनौती देता है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को भी भारत से संबंध खराब करने की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा और कहा जा रहा है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस ब्रिक्स समिट ने साबित कर दिया है कि सिर्फ नैरेटिव और अखबारों में छपी खबरों से ही दुनिया की राजनीति नहीं चलती। असली तस्वीर तब सामने आती है जब ये नेता आपस में मिलते हैं और दुनिया के सामने अपनी एकजुटता दिखाते हैं। ब्रिक्स समिट में भले ही सभी देशों के मुद्दे चर्चा में थे, लेकिन सबसे अधिक ध्यान भारत और चीन के संबंधों पर था। दोनों देश पिछले 5 साल से बॉर्डर पर आमने सामने खड़े हैं, खासकर गलवान घाटी की झड़प के बाद से। इसीलिए यह सवाल उठ रहा था कि क्या इस बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच कोई बातचीत होगी। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बॉर्डर पर शांति नहीं होगी, तब तक चीन के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। करीब 1.5 महीने पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यही बात दोहराई थी। भारत का यह स्टैंड बताता है कि वह सीमा विवाद के मसले पर सख्त
सख्त है। चीन को अंततः यह समझ आ गया कि सीमा विवाद के कारण वह खुद फंस रहा है। इस कारण चीन ने यह मान लिया कि 2020 से पहले के स्टेटस पर लौटना बेहतर होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों की सेना उस स्थिति में लौट आएगी जब दोनों पक्ष पेट्रोलिंग कर सकते थे और शांति बनाए रखने के लिए साथ साथ काम कर सकते थे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ ही भारत का रुख है कि असली संबंध सुधार तभी होगा जब जमीन पर यह समझौता सच में दिखेगा। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच का रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक समय ऐसा था जब पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को झूला झुलाया था और दोस्ती के संकेत दिए थे, लेकिन गलवान घाटी की घटना के बाद से भारत ने चीन के प्रति सख्त रुख अपनाया है। मोदी सरकार और विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि चीनी नेतृत्व पर बिना ठोस कार्यवाही के भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत में कुछ लोग, विशेषकर कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल, इस समझौते को लेकर आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीन पर भरोसा करना सही नहीं है। इस समय जो भारत और चीन के बीच नया समझौता हुआ है वह सीमा पर शांति बनाए रखने का एक प्रयास है। हालांकि यह सिर्फ समझौता है, असली परीक्षा तब होगी जब जमीन पर इसका असर दिखेगा। भारतीय नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चीन के साथ रिश्ते तभी आगे बढ़ेंगे जब सीमा विवाद का समाधान दिखाई देगा। आरएसएस भारत में एक मजबूत और प्रभावशाली संगठन है, जिसकी वजह से यह मुमकिन नहीं है कि अमेरिका भारत के राज्यों को किसी और देश की तरह बंगाल को, बांग्लादेश या पंजाब को पाकिस्तान में बदलने जैसा सपना देख सके। आरएसएस की भूमिका भारत में न सिर्फ संस्कृति और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने में है, बल्कि यह एक मजबूत राष्ट्रवादी संगठन के रूप में भी काम करता है। यह भारत के लिए संप्रभुता और राष्ट्रहित को सबसे पहले रखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति का प्रमुख उद्देश्य भारत फर्स्ट है, जिसका मतलब यह है कि देश का राष्ट्रीय हित हमेशा प्राथमिकता पर रहेगा। हाल ही में पाकिस्तान ने भी खुद को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए आवेदन किया। यह एक चौंकाने वाला कदम था, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश को ब्रिक्स जैसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह में शामिल नहीं किया जा सकता। इस रुख ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की विदेश नीति में कोई समझौता नहीं है, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री मोदी का कद विश्व राजनीति में इसलिए ऊंचा है क्योंकि वह किसी के सामने झुकते नहीं हैं। उनकी नीति हमेशा इंडिया फर्स्ट पर आधारित रहती है। वह चाहे अमेरिका के साथ दोस्ती करें, लेकिन यह दोस्ती भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका को ड्राइवर सीट पर बिठाकर भारत अपनी विदेश नीति को उनके अनुसार चलाए। अतीत में भारत की विदेश नीति को बाहरी ताकतों के इशारों पर चलाया जाता था। उदाहरण के तौर पर मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 2 बार इस्तीफा देने की पेशकश की थी और ये दोनों मामले अमेरिका से जुड़े थे। यह जानकारी संजय बारू की किताब में दी गई है, जो उस समय मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। आज की भारत सरकार न केवल भारत की संप्रभुता को मजबूत कर रही है, बल्कि विदेश नीति में भी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है। चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं और हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब किसी देश के प्रभाव में नहीं रहेगा। इससे पहले भारत कभी चीन, कभी रूस तो कभी अमेरिका के इशारों पर चलता रहा है, लेकिन मोदी ने दुनिया के सामने यह घोषित कर दिया कि भारत एक आत्मनिर्भर, खुद मुख्तार देश है और वह अपनी नीति खुद बनाता है। पीएम मोदी की विदेश नीति का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भी उन्होंने रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखे, जबकि पूरी दुनिया रूस को आइसोलेट करने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा ईरान पर सैंक्शंस के बावजूद भारत ने ईरान से पेट्रोलियम आयात जारी रखा और चाबहार पोर्ट का विकास किया, जो भारत के लिए एक रणनीतिक महत्व रखता है। मोदी सरकार ने एक ओर जहां इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए रखे। ये दिखाता है कि भारत किसी के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति को नहीं बदलता, बल्कि वह राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखता है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में ब्रिक्स समिट को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ आलोचना करता आया है। पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है कि मोदी भले ही उनके लिए कट्टर नेता हों, लेकिन वह अपने देश के लिए ईमानदार हैं। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि काश उन्हें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल पाता जो देश हित में कोई समझौता नहीं करता। पाकिस्तानी लोग यह भी सराहते हैं कि मोदी के पास न तो कोई महंगा घर है, न
ही बड़ी गाड़ियां हैं, फिर भी वह दिन रात देश के लिए मेहनत करते हैं। यह देखकर पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनके पास भी एक ऐसा नेता हो जो पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित हो। पीएम मोदी ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। वह अमेरिका, चीन और रूस के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही काम करता है, न कि उनके दबाव में आकर। यह एक ऐसी नीति है जो भारत को एक सशक्त और स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर रही है। अगर दुनिया का कोई भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर, तटस्थ पर्यवेक्षक प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को देखे तो वह वही कहेगा जो मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और दुनिया भर के डिप्लोमैट्स, राजनयिक कहते हैं। ऐसे लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी ही आते हैं। यह बात हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होनी चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि पिछले 5 साल से बॉर्डर पर तनाव चल रहा था। दोनों देशों ने इस बैठक के दौरान तनाव कम करने और समस्याओं को सुलझाने पर जोर दिया। यह एक सकारात्मक कदम है जो दिखाता है कि अब दोनों देश शांति और स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में पीएम मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत की ताकत क्या है। उनके कार्यकाल में कई ऐसे कार्य हुए हैं जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था। शायद यही कारण है कि उनके समर्थक कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई पहचान बनाई है। चाहे वह बॉर्डर पर शांति की कोशिश हो या दुनिया के बड़े नेताओं के साथ बातचीत, पीएम मोदी ने यह साबित कर दिया है कि वह एक सशक्त और दूरदर्शी नेता है। तो दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इंटरनेशनल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।